हम आ चुके हैं सरकारी अस्पताल जहाँ हमारा आज चेकअप हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम सूरत से आए हैं इसीलिए। देख रहे हो, ये अस्पताल है सरकारी बड़ा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। केम छो, मजा माने? हूँ पर मजा माँ दोस्तों। और ये गांव पहुँच चुके हैं और कल ही हम सरकारी अस्पताल पे गए थे। वहीं पे हमारा चेकअप कराया और पर्ची भी दी कि यहाँ पे हमारा चेकअप हुआ, और क्वारंटाइन के लिए 15 दिन दे दिया, और बाहर बोर्ड भी लगा दिया है लाल स्टिकर से बड़ा, 15 दिन के लिए इस घर में किसी को आना नहीं और इस घर से किसी को बाहर जाना नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन घर में काम ही इतना है कि 15 दिन भी कम पड़ जाएंगे, इतना काम ख़त्म ही नहीं होने वाला है। देख रहे हो ये सब, पंखा भी इधर फिट किया, वो बोर्ड भी आज लगाया सब, और बाहर भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, दिखाता हूँ। देख रहे हो, जोरों शोरों से काम चालू है, जोर लगा के ऐसा दूर खड़े रहे। देख रहे हो, झगड़ा हो रहा है नौलिया और टिटोड़ी के बीच में। देख रहे हो, ये तनादन एलिमेंट वाइट, और ये चला गया, और पीछे पीछे ये भी देखो झगड़ा हो रहा है। मकान भी लास्ट में आ जाता है, ज़बरदस्त नज़ारे रहते हैं यहाँ। देख रहे हो, बादल भी है लेकिन इसमें नहीं दिखाई देंगे, यहाँ दिखाई दे रहे। देखो इधर मकान ज़बरदस्त, उधर भी बड़े बड़े ऐसे ही बांस की तरह लंबी लंबी होगी। गुजराती में तो लीलगिरी बोलते हैं, हिंदी में तो मालूम नहीं है। ठीक है, कर कर बादी करा से ते लगता है डामा कौन से कर ले। पापा पकड़े गया ना? ना सर, मैंने मोर का तो ये पकड़े गया का? ये मुखरे मुखरे कर बादी। तो ती केम लगे से, मजा आवे से आया? हां, केई मजा आवे से? मस्त हां। किटोडी से हां, आपरे क्या आया छे धरती? पूरी बांध करे हां। ना हूं से बगीचो, बगीचो के चौपाटी, चौपाटी हां। कड़ी मेहनत से पत्ता निकल गया, देखो ये है। और हम यहां बैठे बैठे गप्पे लड़ा रहे थे बाप बेटी। देखो देखो, मेरी बेटी चेक कर रही है धरती। बैठे हैं और खा रहे हैं, स्पेशल आइटम बनती है जो जन्माष्टमी पे बनती है। ठीक है, गुजराती में ढेबरा बोलते हैं, गड़ा ढेबरा, तीखा ढेबरा। ये मीठा है, गुड़ से बनाते हैं, गेहूँ के आटे से ही बनता है लेकिन इसमें गुड़ रहता है, इसी हिसाब से मीठा हो जाता है। अच्छा, हमारे दादा को बहुत पसंद है, अभी तो समय के साथ बहुत कम बन रहा है, लेकिन मुझे याद है जब बचपन में हम हमारे मामा के गांव जाते तो बहुत सारे बन रहे थे, बहुत सारे। 2-3 दिन तक कोई रसोई घर पे बनती नहीं थी, वही खाने को रहता था। ठीक है, बहुत तेज़ी से पवन, देख रहे हो बहुत ज़्यादा पवन आ रहा है, ऐसा लग रहा है समुद्र किनारे आ चुके हैं। आज ही इतना पवन है, वैसे तो 2 दिन से इतना ज़्यादा पवन नहीं था। देख रहे हो, बहुत हिल रहा है, आवाज़ भी आती होगी इसमें। सफाई आज पूरा का पूरा पानी से धो दिया, ऊपर भी मैं भी ऊपर चढ़ा था इधर और धो दिया सब पानी से, मिट्टी सब नीचे आ गई, बहुत टाइम से पड़ा था। हमारी बेटी का झूला छोटी सी खटिया से बनाया हुआ, देख रहे। और हमारा किचन छोटा सा, यहाँ पहले वहाँ था, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है। देख रहे हो, ये भी सब जगह पे चूल्हा है, और ये पानी भी भरा हुआ है। यहाँ आया एक दिन छोड़ के, एक दिन पानी आता है, अच्छा है। हमारा वैसे ही तहसील है, और सामने भेड़ बकरियाँ एक साथ बहुत सारी अपना खाना पानी कर रही है, दिखाता हूँ आपको।
ये हमारी घर की झाड़ी देख रहे हैं। ये झाड़ी से तो भेड़ बकरी नहीं दिखाई दे रही, दिखाई दे रही लेकिन इसमें से नहीं दिखाई दे रही। दीवार के उस पार भी एक ऐसी जाली लगाई, वहीं से आपको दिखाया, फिर काम आ गया तो इधर आ चुके, ठीक है। और हम यही काम कर रहे हैं और ये सब आज साफ सफाई कर दिया। और दोस्तों एक छोटा सा वीडियो बनाया था, आपको अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट कीजिए। और हमारे कुछ 1000 सब्सक्राइबर में कम पड़े, आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिलेंगे तो हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे दोस्तों। और ये वीडियो यही पे हम एंड करते हैं दोस्तों। शुक्रिया, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।